हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ डेट सिरप, जो 6 महीने से ऊपर के बच्चे को आप लोग दे सकते हैं, जो बच्चों के ग्रोइंग एज में अभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेट्स आयरन के लिए, बच्चों के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा, इससे बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट होगा और बच्चों को ताकत भी मिलेगी। यहाँ पर मैंने थोड़े से डेट्स के बीज को निकाल लिया था और उसमें मैं पानी डाल करके लगभग 4 घंटे के लिए मैं इसे सोक करने के लिए रख दूँगी। इसी तरीके से आप कभी भी अच्छी क्वालिटी का डेट्स लीजिएगा। डेट्स कभी भी अच्छी क्वालिटी का लेना चाहिए, उसे साफ़ कर लें और उसमें बीज निकाल लें और पानी को पानी में इस तरीके से सोक करने के लिए रख दें। मैं यहाँ पर 4 घंटे के लिए रख दे रही हूँ ढक करके, और 4 घंटे के बाद ये जब अच्छे तरीके से सोक हो जाएगा, अच्छे तरीके जब ये फूल जाएगा पानी में, उसके बाद हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे। 6 महीने से बड़े बच्चों को ये देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़रूरी भी है। जब ये 4 घंटे के लिए अच्छे से सोक हो गया था, उसके बाद मैं इसको सारे मिक्सचर को एक पैन में डाल दूँगी। मैं यहाँ पे कुछ भी वेस्ट नहीं हो, ये चाहूँगी कि ज़्यादा कुछ वेस्ट नहीं हो, सारा अच्छे तरीके से इसका जो भी जो मटेरियल है वो निकल जाए, वेस्ट नहीं हो। नहीं तो दूसरे तरीके से बनाने से वेस्ट ज़्यादा होता है, ऐसे बनाने से वेस्ट नहीं होगा, बहुत अच्छा हमारा बनके रेडी होगा डेट सिरप। तो इसको मैंने पैन में डाल करके मैं यहाँ पर गैस पे रख दे रही हूँ और इसे मैं बॉईल आने के लिए लगभग 2-3 मिनट के लिए थोड़ा बॉईल कर लूँगी, ताकि ये अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए और पानी में मिक्स हो जाए, और उसके बाद हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे। मैं तो इसी तरीके से डेट्स का सिरप बनाती हूँ, ताकि वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। आगे आप देखिएगा कि इसमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, बहुत अच्छे तरीके से निकल जाएगा और ये बहुत हेल्दी भी है छोटे बच्चों के लिए। तो ये देखिए, जैसे इसमें बॉयल आ गया है ना, बस 2-3 मिनट, जैसे बॉयल आ गया 2 मिनट इसे पकाएंगे, फिर इसे मैं हटा दूँगी, और हटाने के बाद जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो मैं इसे मिक्सी के जार में डाल करके इसे अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए, मिक्सी के जार में डाल के इस तरीके से करने से क्या होता है ना, वेस्ट नहीं होता है और सब अच्छे तरीके से निकल के आता है। मिक्सी के जार में डालने के बाद ये देखिए, कुछ इस तरीके का इसका टेक्सचर हो जाता है, इस तरीके का हो जाता है कुछ टेक्सचर। और उसके बाद इसे छन्नी से हम छान लेंगे, इस मिक्सर को छन्नी से अच्छे तरीके से छान लेना है, और छानने के बाद इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। कुछ भी वेस्ट नहीं करना है हमें, सारा कुछ यूज़ में ले लेना है, तो पानी को इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से इसके जो भी जो देखिए, आप देखिएगा इसमें कुछ भी नहीं निकलेगा, छान लिया है मैंने। ये देखिए, हमें इस तरीके से उसी पैन में मैं छान ले रही हूँ, और बिल्कुल भी हमें दूसरा पैन यूज़ नहीं करना है, सेम पैन यूज़ करना है। और अच्छे तरीके से छानने के बाद ये देखिए पूरा छन गया है, और बस इतना सा, बस 1 चम्मच के करीब भी नहीं, बहुत थोड़ा सा बस वेस्ट होता है इसमें, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है। पानी थोड़ा सा ज़्यादा भी होगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करें, और बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है फ्रेंड्स। ये देखिए, बस एकदम इतना सा ही वेस्ट आपको होगा, बाकी सब छन कर वो निकल गया है। अब ये देखिए, और जो अभी जो ये लिक्विड जैसा जो डेट्स का जो है ना, इसे अब हम गैस पर रखेंगे और इसे लगभग तुरंत बन के रेडी हो जाता है। अब ज़्यादा देर आपको इसे पकाने की भी ज़रूरत नहीं है, तुरंत 2-4 मिनट में, 5 मिनट के अंदर आप देखिएगा डेट सिरप बन के रेडी हो जाएगा। और ये जैसे कि इसे हम बच्चों को हलवे में, सूजी के हलवे में, या फिर कुछ भी मीठा आइटम दे सकते, क्योंकि 1 साल तक के बच्चों को शक्कर वगैरह देना नहीं रहता है, तो उसकी जगह हम लोग डेट सिरप देंगे, जिससे खाने में बच्चों को थोड़ा सा स्वीटनेस भी बढ़ेगी और हेल्दी भी है, बहुत ज़रूरी है ये बच्चों के लिए। बच्चों को देना देर तो बस बच्चे डायरेक्ट तो नहीं खा सकते, तो इस फॉर्म में हम लोग बच्चों को दे सकते हैं 1 चम्मच के करीब, 1 कटोरी में 1 चम्मच 2 चम्मच के करीब हम लोग बच्चों को दे सकते हैं। और ये देखिए, ये बॉईल हो रहा है और ये बहुत जल्दी रेडी हो गया था, ये हल्का सा ऊपर आया था तो मैंने इसे थोड़ा सा हटा दिया था। और अगर आपको थोड़ा सा गंदा जैसा लगे तो हल्का सा ऊपर से आप हटा दीजिए, ऐसे ही साफ़ ही था, बट मैं आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ, कि भी कोई कोई डेट्स का क्वालिटी अच्छा नहीं रहता है तो वो थोड़ा सा ना पूरा गंदा जैसे, गंदगी जैसे उसमें निकलने लगता है, तो ऐसे करने से वो साफ़ हो जाता है। तो मेरा तो ये साफ़ ही था, गंदा तो था नहीं, मगर मैं फिर भी बताने के लिए ऐसे कर दे रही हूँ। और फिर 5 मिनट में ये बन करके
बस रेडी हो जाता है। और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ऐसा रहेगा कुछ। और बस अब इसे ठंडा करके जार में भर लेना है। 6 महीने से बड़े बच्चों को ये देना बहुत ज़रूरी है, ज़रूर दीजिए। 1-2 चम्मच आप डेली बच्चों की डाइट में ज़रूर शामिल करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।